कैसे हो बच्चों? लास्ट वीडियो में हमने देखा था पॉलीनोमियल का फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन, और उस इंट्रोडक्शन में पॉलीनोमियल किसे कहते हैं और उसमें कितने टर्म्स होते हैं और कोफिशिएंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। और अगर आप यहाँ इस वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हो तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे गए दिए गए लिंक पे जाइए और वहाँ पे क्लिक कीजिए, क्योंकि बेटा वहाँ पे आपको लास्ट वीडियो मिल जाएगा और उसे देखने के ही बाद यही वीडियो आप देखें। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स फंडामेंटल्स सेकंड लेसन मीन्स सेकंड पार्ट। ओके, माई सेल्फ संदीप पाठक, और बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, यहां हमने पॉलीनोमियल का स्टार्टिंग कर दिया था बच्चों। तो यहां पे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में हमने जो भी पूरा देख लिया है उसका फटाफट देख लेते हैं कि जैसे कि 4x² + 2x + 5 हमें दिया है, तो इसमें ये कांस्टेंट है, ये जो है वो कोएफिशिएंट है, ये जो x है इसे हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं बेटा? वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ तक का आपको पता है। अभी इससे आगे हम निकलते हैं कि जैसे कि मुझे यहाँ दिया है बेटा 5x, तो 5x को क्या बोलेंगे, पॉलीनोमियल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बेटा याद रखो, अगर आपको कोई एक ही टर्म दिया गया है तो आप उसे पॉलीनोमियल नहीं बोल सकते, लेकिन इसके साथ ऐसा ही कोई एक टर्म एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो आप उसे पॉलीनोमियल बोल सकते हो। ओके, सो यहां पे 5x जो आपको दिया है सो इसे हम पॉलीनोमियल नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे मोनोमियल। ठीक है, 2x + 5 अभी यहां पे क्या हुआ, तो दो टर्म है, दो टुकड़े हैं, तो इसे हम बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है, और x² + 2x + 5 सो इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल और पॉलीनोमियल। हम इसे भी पॉलीनोमियल बोल सकते हैं, इसे भी पॉलीनोमियल बोल सकते हैं, लेकिन हम 5x को पॉलीनोमियल नहीं बोल सकते। ठीक है, तो एक टर्म है तो मोनोमियल, दो है तो बाइनोमियल, तीन है तो ट्राइनोमियल। उसी तरह जैसे जैसे टर्म बढ़ते जाए उसी तरह उसका आप नामकरण कर सकते हैं बेटा, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना ही है। ठीक है, तो यहां तक रखते हैं। आगे, जैसे कि ये मोनोमियल है तो मोनो का मीनिंग होता है एक। आप मैथ्स में और साइंस में कहीं भी जाइए तो ये कॉमन वर्ड्स होते हैं। अगर एक ही टर्म है, एक ही दिया है, वन है तो मोनो आएगा, दो है तो बाई आएगा, तीन है तो ट्राई आएगा। जैसे कि हम ट्राई एंगल बोलते हैं तो ट्राई का मीनिंग क्या हुआ, तीन, तीन एंगल। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, अभी हम देखेंगे वेरियस टाइप ऑफ पॉलीनोमियल, कितने कितने टाइप्स के पॉलीनोमियल होते हैं। सो बेटा तीन टाइप के पॉलीनोमियल है और चौथा एक है वो बोनस है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। तो ये है तीन टाइप के पॉलीनोमियल। पहला पॉलीनोमियल कौन सा है, तो आता है लीनियर पॉलीनोमियल। कौन सा है? लीनियर पॉलीनोमियल। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, और तीसरा है क्यूबिक पॉलीनोमियल। सो तीन टाइप के पॉलीनोमियल है हमारे पास। उसमें लीनियर पॉलीनोमियल किसे बोलते हैं, जिसका पैटर्न बेटा ऐसा बना है ax + b, मींस उसमें दो टर्म है और ऊपर कहीं पे भी कोई भी पावर नहीं है। जैसे कि यहां वन पावर है लेकिन हम उसको यहां कंसीडर नहीं करते, तो इसे हम कहते हैं लीनियर। और आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिस पॉलीनोमियल का डिग्री 1 होता है उसे लीनियर पॉलीनोमियल बोलते हैं। क्लियर बेटा? द सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। सो यहां पे अगर मुझे एक एग्जांपल लीनियर का देना हो तो मैं यहां लिख सकता हूं 2x + 5। 2x + 5 इज अ बाइनोमियल एंड ऑल्सो लीनियर पॉलीनोमियल। द
क्वाड्रेटिक में क्या आएगा, तो क्वाड्रेटिक का बन रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटा यहाँ देखो, यहाँ तीन टर्म हो गया और इसका जो डिग्री आया वो टू है। व्हाट इज द डिग्री? डिग्री इज द मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलीनोमियल। ओके, सो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ से ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव। सो इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। द थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलीनोमियल, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। सो इसे हम बोलते हैं क्यूबिक। क्यों क्यूबिक? क्योंकि यहाँ पे बेटा ये जो पॉलीनोमियल हमें दिया है उसका डिग्री कितना है? तीन है। ओके, और इसका एग्जाम्पल ओके अभी आप बोलोगे सर वो कुछ बोनस वाली बात हो रही थी, तो वो बोनस वाला है कि जैसे यहाँ पे स्क्वायर है उसी तरह अगर रेस टू फोर है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्या बोलेंगे उसे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक मीन्स क्वाड्रेटिक टू टाइम्स, फोर का मीनिंग होता है टू इंटू टू। सो बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, और वो क्या होता है जिसमें डिग्री फोर होता है उसे क्या बोलते हैं हम? बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। और वो आपको टेक्स्ट बुक में कई सारे से सम्स आएंगे कि जो आप बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के करोगे। ठीक है, सो यहां पे हमने देखा लीनियर पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अभी यहां जो मजा आने वाला है वो अभी आएगा, अब लास्ट तक वीडियो देखते रहना बेटा। ठीक है, सो यहां पे मैंने कहा कि ये सारे पॉलीनोमियल है। अच्छा, आपने यहां एक बात नोटिस की या मुझे पता नहीं, लेकिन आप अभी देख सकते हैं कि यहां एक्स का पावर वन है, यहाँ जीरो है। अब बोलोगे एक्स ही नहीं है सर। नहीं बेटा, यहाँ कुछ भी नहीं दिया है, उसका मीनिंग होता है एक्स रेस टू जीरो। जिसका भी पावर जीरो होता है, वो आप आगे पढ़े हुए हो एट में, जिसका भी पावर जीरो होता है वो निकल जाता है। सो यहाँ से निकल गया। ठीक है, सो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे टू वन जीरो, थ्री टू वन जीरो। सो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, सी प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर, पावर का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसे लिखना है। ठीक है, सो यहां पे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। 4x क्यूब माइनस 6, बेटा ये पॉलीनोमियल है या नहीं है? ये पॉलीनोमियल है या नहीं है? सो आप बोलोगे सर आपने बोला था 3 2 1 होना चाहिए, यहां पे तो नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो कोएफिशिएंट है वो जीरो हो गया। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं यहाँ पे ये टू दिया है जो एक्स का कोएफिशिएंट है। ठीक है, सो मैं यहाँ जीरो लिख दूँ तो ये एक्स निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जीरो के साथ किसी का भी मल्टीप्लिकेशन करो आंसर जीरो ही आता है। सो यहाँ टू एक्स दिया है, इसकी जगह पे मैं जीरो एक्स कर दूंगा तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर जो है उसका कोएफिशिएंट जीरो है, एक्स जो है उसका भी कोएफिशिएंट जीरो है। ओके, सो ये पॉलीनोमियल है। दूसरा, अभी आप समझ गए सर, हमें पता चल गया कि यहां पे 3 2 फिर 1 आना चाहिए जो x आएगा, लेकिन उसका यस बेटा कोएफिशिएंट क्या हो गया? जीरो हो गया। सो ये यहां से निकल गया, लेकिन ये पॉलीनोमियल है। तो बेटा इस तरह से वेरियस टाइप ऑफ पॉलीनोमियल्स होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, सो बने रहिए इस चैनल पे। और हाँ, अगर आप पहले हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड, सब्सक्राइब करोगे तो नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और बेल बटन दबा दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, सेफ रहिए, बाय।